छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमर चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहु। देश में 4 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद अब लोगों की जिंदगी में सबसे बड़ा संकट है रोजी रोटी का। देश में किए गए 4 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में हमारे कार्यक्रम में रंग भरने वाले धुमाल ग्रुप के लोगों का रंग उड़ चुका है। ऐसे में धुमाल ग्रुप लोगों के पास काम नहीं है। विधायक विकास उपाध्याय के पास ज्ञापन सौंपने के बाद किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। हमने तय किया है कि हम लोगों का दर्द दिखाएंगे और तब तक दिखाएंगे जब तक प्रशासन शासन प्रशासन वहां लोगों की सुनवाई नहीं करते। देश में लॉकडाउन के बाद लोगों की स्थिति बद से बदतर हो जा रही है। लोगों के पास न 2 वक्त की रोटी है, न रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पैसे। ऐसे में लोग क्या करें? आइए हम बात करते हैं, हमारे बीच धुमाल ग्रुप के कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि लॉकडाउन के बाद किस प्रकार के दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि 21 तारीख से बंद हुआ था लॉकडाउन और अभी 4 महीना टोटल हो चुका है और 4 महीने से अभी तक हमारे पास कोई भी काम नहीं है, ना हमको कोई प्रशासन ऐसा कुछ बताती भी नहीं है कि आप लोगों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। हम लोग आधा सोच सोच के परेशान हो गए। दूसरी चीज़, हमको सिर्फ काम चालू होना चाहिए। हमारा काम चालू होगा, हमारे साथ 25 से 30 वर्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके घर की खाना पूर्ति नहीं हो पा रही है, सब परेशान है इस वजह से। लॉकडाउन के समय आप किस प्रकार के अपने जीवन यापन कर रहे थे, किस कहां से आपकी रोजी रोटी चल रही थी? अभी किसी प्रकार की हमारी रोजी रोटी चल नहीं रही है क्योंकि सारे दुकानों में तो अब तो एक तो 3 महीने बाद तो दुकानों को खुलने की अनुमति दिए हैं, उसके बाद हम लोगों को काम में रखेगा कौन? और किसी काम को करने के लिए हमारे पास भी पैसा होना बहुत ज़रूरी है, अब वो चीज़ है नहीं क्योंकि हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं तो पैसा कहाँ से आएगा। जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि किस प्रकार शासन प्रशासन के पास आपने कुछ किया है? हमारी टीम ने मिल के ज्ञापन सौंपा था बट वहाँ से अभी तक के कोई ऑथेंटिक रूप से हमको कोई कार्रवाई की वो नहीं दिया गया है, अनुमति नहीं दी गई है कि आप लोग काम चालू कर सकते हो। हम डर के मारे काम नहीं कर रहे हैं, कारण यह है कि पुलिस प्रशासन फिर हमारा साउंड जब्ती कर लेगा अगर हम काम करने के लिए अगर आगे आते हैं तो, बिना उनकी अनुमति के। जी, तो आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से, किस प्रकार की आपको छूट दिया जाए, क्या प्रकार के दिशा निर्देश दिया जाए जिससे आपका काम भी शुरू हो जाए? और सरकार से सिर्फ एक ही आग्रह है हमारे रायपुर धुमाल जन कल्याण संघ का कि हमको सिर्फ अभी काम करने की अनुमति दे, क्योंकि हमारा पिछला जो सीजन था उसमें हमने किसी रूप से भी काम नहीं कर पाया और हमारा अब जेब खाली हो चुका है क्योंकि हमको पूरे 25 लड़कों की टीमों को भी देखना है और आगे हमको अभी निरंतर जो काम करना है वो है गणेश नवरात्रि और आगे की भी जो शादी सीजन आती है उसमें हमको काम करना है। जी देखिए, जिस प्रकार धुमाल ग्रुप के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनका काम शुरू हो। आगामी गणेश पूजा में इनकी मांग है कि काम शुरू करने की अनुमति प्रदान करें।